الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अच्छा जी आज असी मशक जिहड़ी है पहली मशक सी रूहे तरजीह वो असी अलहमदुल्ला मुकम्मल कर ली है तो हुण असी इहदे नाल अगली मशक शुरू करांगे। उस मशक दे विच इह होएगा कि बे नाल अलफ किदां लगाउणा बे नाल बे किदां लगाउणी बे नाल जीम किदां लगाउणी है। हुण असी इस मशक दी जिहड़ी है ना प्रैक्टिस करांगे तो इहदे ते लिख के दसांगे कि इहनूं लफ्ज़ां नूं इदां बणाउणा वा। अलहमदुल्ला उम्मीद करांगे कि तुसीं इस तों फायदा उठाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सही अज साडी मशक आ मशक नंबर 11 सबक है साडा बे अल बा क्योंकि बे ना बे किदां लगाउणी आ असीं इहदी मशक हुण शुरू कर रहे हैं। यह बा वा इहनूं इहदे दरम्यान चों एक पॉइंट का फासला होना चाहिए वा और इन इदा चैक किया जाए तो हाफ हिस्सा रहना चाहिए यदा वो मैं दूसरे के उत्ते बना के दसागा। इन इदा चैक करिए तो यद हाफ हिस्सा होना चाहिए वा ऐसी अलफ है ये नाल जो लगाया जाता वा इदा ही क्योंकि कोशिश होंगी है कि थोड़ा जे दस्या जाए बाकी मशक है तुसी भी खुद करनी है। यह 45 के एंगल से इन कलम रखांगे तो नुकता बनता जाएगा और नुकत्या का हिसाब रखना कि बिल्कुल यह लाइन के नाल टच होंगे रहन यह फासला जोड़ा ना एक जैसा रहेगा। यह अज बा का सबक सी हूँ असी ये बत भी दसांगे के है कोना इस्तेमाल करना है कोने का हिस्सा बनेगा मद की शक्ल बनेगी जिदा कि असी बेहे बाह लिखने यह हिस्सा बनेगा सीन के उपर भी लिखा वा। हूँ असी ये ही बे की शक्ल लगाई है और यह नुकते दो ने 45 के एंगल से रख के बनावांगे तो यह नीचे बराबर आएंगे यह नुकता असं इतने लगावे शुरू के मैं दस चुका कि ए पॉइंट जोड़े होंगे ते जे बे लिख रहे हैं ये 5 पॉइंट होने चाहिए है इस जिस कलम ने भी असं लिख रहे हैं ताकि ये शक्ल जी है ना फिर मुकम्मल हो जाती है। अज का जोड़ा सबक से साडा आया सी।